सुधाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में ही काम करता था। वो सब जंगल से पेड़ काटते हैं, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं और फल तोड़ते हैं और वो सब बेचकर पैसे कमाते हैं। क्या कर रहे हो दोस्तों, जल्दी करो, बारिश का मौसम है, जंगल में इतने देर तक रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन उस पुल का क्या, उसकी मरम्मत कब करना है? गोपाल की बात ही सही है सुधाकर, पुल कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया है, कभी भी टूट सकता है। जंगल के बीच में से एक बड़ी सी नदी बहती है। सुधाकर, गोपाल और मोहन उसी जंगल में काम करते हैं, इसलिए उन्होंने ही वो पुल बनाया था और खराब होने पर वही उसकी मरम्मत करते हैं। एक बार में एक इंसान आराम से पुल पार कर सकता है दोस्तों, पुल का काम किसी और दिन देखते हैं। बारिश शुरू हो गई तो यहाँ पर सर छुपने की जगह भी नहीं है। ऐसे कहते हुए सुधाकर उस दिन पुल की मरम्मत करने का काम टाल देता है और अपने साथ सबको घर लेकर जाता है। सुधाकर ने जैसे कहा था, उस दिन सच में बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश को देखकर सब यही सोचते हैं। सुधाकर ने आज भीगने से बचा लिया, अगर उसकी बात नहीं मानते तो आज बारिश में भीग जाते और तबीयत खराब होने की वजह से घर में पड़े रहते। ऐसे कहते हुए कुछ दिनों तक उस पुल ऐसे ही रखकर ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे है तो एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सुधाकर और उसके दोस्त जंगल में ही फंस जाते हैं। सब एक बड़े से पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं जाकर। तभी एक गाय उस पुल पर से भागती हुई आती है और पुल कमजोर होने की वजह से आधे टूटे पुल में फंस जाती है। सुधाकर और उसके साथी पानी में भीगते हुए जाकर बड़ी मुश्किल से उस गाय को पानी से बाहर निकलते हैं। हम सब तो पूरी तरह से भीग गए हैं। पक्का दो दिन तक बुखार ही नहीं उतरेगा। आज जो भीगे हैं, अगर उसी दिन भीग कर पुल की मरम्मत कर देते तो आज ये हादसा नहीं होता उस गाय के साथ। गोपाल और मोहन ऐसी बातें कह रहे थे और सुधाकर अपने आसपास की हर चीज को हैरान होकर देख रहा था। जंगल में किसी भी जानवर के लिए छुपने की कोई जगह नहीं थी, पंछियों के पास घोंसले भी नहीं थे। ये सब सुधाकर, गोपाल और मोहन पेड़ काटने की वजह से हो रहा था। सुधाकर इस बात को समझ जाता है और बाकियों को भी अच्छे से समझा देता है। तो तुम क्या कह रहे हो, अब हम पेड़ काटना बंद कर दे? जंगल में बारिश का असर इन जानवरों पर बहुत बुरा असर हो रहा है, इसीलिए हमें सिर्फ सूखे पेड़ काटनी चाहिए और उससे भी पहले हमें उनके लिए थोड़े छोटे छोटे घर बनाना चाहिए। ठीक है कहकर सभी दोस्त मिलकर कुछ घोंसले और पेड़ों के पास कुछ छोटे छोटे घर बनाते हैं। बारिश होने पर जानवर उन घरों में छुप सकते हैं। इन सब के लिए घर तो बना दिया हमने, लेकिन पेड़ ना काटने की वजह से अब जो नुकसान होगा उसे कैसे ठीक करेंगे दोस्त? शायद तुम भूल रहे हो, नदी की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसे गोपाल, मोहन और सुधाकर हरे भरे पेड़ काटने के बजाय
सूखे पेड़ काटते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। जंगल में बारिश समस्या ठीक हो जाती है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन छोटे छोटे जानवर और पंछी अपना सर छुपा सकते हैं। वैसे तुम ये सब क्यों करते हो सुधाकर, और हमसे भी क्यों करवाते हो? हम सब यहाँ पर काम करते हैं। ये जंगल हम सभी के परिवारों को पालने के लिए मदद करता है। बदले में हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना? सुधाकर की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अच्छे से अपना काम करते हैं। हलचलपुर नाम के गांव में लोग रात के वक्त होने वाली चोरियों से परेशान थे, इसीलिए अपने कुत्ते बिल्लियों को शेर और भेड़िया का रंग लगाकर अपने घरों के सामने बांध देते हैं। उज्जवल मेरे भाई, ये उपाय तुमने ही सारे गांव वालों को बताया था ना? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम तक ही रहना चाहिए। हमारे गांव में पुलिस स्टेशन आने से पहले उन चोरों को ये बात पता चल गई तो चोरियां फिर से शुरू हो जाएंगे। उस गांव में पुलिस स्टेशन या पुलिस वाले ना होने की वजह से ही इतनी चोरियां हो रही थी, इसीलिए लोग जानवरों को रंग लगा रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद उस गांव में पुलिस स्टेशन आ जाता है, तब चोरों का ये हाल था। वीरू, ये क्या हो रहा है अपने साथ? पहले वो गांव वाले जंगली जानवर को पाल रहे थे और अचानक से गांव में पुलिस स्टेशन लग गया है। अब हम करे तो क्या करे, हमारे हाल सर्कस के बंदर जैसा हो गया है। ये हुई ना बात, जय तो सच में होशियार हो मेरे भाई। अब चोरिया हुई दौलत से यही काम करेंगे। ऐसे वीरू, बिना सर पैर वाली बातें करने पर जय को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए जय वीरू से दोबारा से अच्छे से समझने को कहता है। हम एक जू खोलेंगे, उसमें गांव के सभी पालतू शेर और भेड़िया डाल देंगे और बाहर से कुछ और जानवर भी खरीद कर लेकर आएंगे। ऐसे कहते हुए जय और वीरू मिलकर हलचलपुर में सच में एक जू खोल लेते हैं और 100 रुपए का टिकट लगाकर बैठ जाते हैं। वहां पर आए हुए लोग ये भौंकते हुए शेर को देखकर, ये शेर कुत्ते की तरह क्यों भौंक रही है जू वाले भाई? जय और वीरू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो इस तरह से जवाब देते हैं। शायद इस शेर को खांसी हो गई है, हम इसे अभी टॉनिक पिलाते हैं। ऐसे कहते हुए जय और वीरू टॉनिक लेकर असली वाली शेर को पिलाने के लिए जाते हैं। वो शेर उसके पिंजरे में जाते ही इतने शोर से दांत मारता है कि जय और वीरू डर कर रोते हुए एक एक तरफ से उस पिंजरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। ये दोनों अंकल तो बुद्धू है, दरवाजा खुला होने के बाद भी ऊपर से चढ़ रहे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, जाओ जाओ जाओ। जय और वीरू वहां से बंदरों के पास जाते हैं, वो ठीक है या नहीं देखने के लिए। वहां पर बंदर एक खेल खेल रहे थे, एक दूसरे को थप्पड़ मारने का खेल। जय और वीरू उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हो? पीछे हटो, बंद करो एक दूसरे को मारना। जय ऐसे ही कह ही रहा था कि तभी एक बंदर
उसे खींच कर एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद जय, वीरू और वो बंदर तीनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए बैठते हैं। तभी वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं। जो जो जानवर मिसिंग है वो सबको संभाल कर गाड़ी में चढ़ा दो, मैं जाकर इस जूर के छोर मालिक से बात करके आता हूँ। ऐसे कहते हुए वो ऑफिसर जय और वीरू के पास जाकर कहते हैं कि उन्हें जो बिना इज्जत के जंगल से जानवर चुराए हैं, उस गलती के लिए वो लोग जय और वीरू के जू को बंद कर रहे हैं और बाकी के जानवरों को लेकर जा रहे हैं। तब वीरू, कोई बात नहीं है, हमारे पास अब भी गांव वालों के जानवर है, हम उनसे ही सर्कस कर लेंगे। वीरू का ऐसा कहते ही वहाँ पर हल्की सी बारिश होती है और सारे कुत्ते बिल्लियों के रंग उतर जाती है। वो देखकर जय और वीरू के गुस्सा का कोई ठिकाना नहीं था। हलचलपुर वालों, तुमने हमें ही जू के बंदर बना दिया, अब ये जय और वीरू फिर से आएंगे वही चोर बनकर। मम्मी।